शुभ दिन बच्चों, आज हम दूसरा लेसन भारत 21वीं सदी का उस पार्ट का बुक एक्सरसाइज और ग्रामर पेजेस देखेंगे। पहला टिक द करेक्ट आंसर, यह तो आप खुद करना चाहिए। यू हैव रेड द लेसन प्रॉपरली एंड यू नो द आंसर। आई होप यू डू बाय योरसेल्फ इन द बुक एंड देन रेफर द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, यह भी आप कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू ऑफ योर ओन, रीड द लेसन, डू बाय योरसेल्फ एंड रेफर द आंसर। अब हम ग्रामर देखेंगे, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण का मतलब है लेटर्स, हम तो स्प्लिट करना है। इफ यू हैव अ वर्ड यू कैन स्प्लिट इट इनटू लेटर्स, सो हाउ यू हैव टू स्प्लिट इनटू लेटर्स, दिस इज कॉल्ड वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब है स्प्लिट करना। यहाँ देखो, रमा खाना खा रही है। अब पहले हम शब्द को स्प्लिट करेंगे। वी हैव रिटन रमा खाना खा रही है। अब उस शब्द को वर्ण में स्प्लिट करना है। नाउ यू हैव टू वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? र को इर प्लस आ र, मा इम प्लस आ, खाना खा इक प्लस आ, ना इन प्लस आ, खा इक प्लस आ, रही र हाउ विल स्प्लिट? इर प्लस आ, ही इक प्लस ई, है इक प्लस आई। तो ऐसा स्प्लिट करना चाहिए। यू नो वेरी वेल ऑलरेडी स्वर व्यंजन ये अक्षर तो आप पहले ही दूसरा तीसरा कक्षा में पढ़ा है, उसे याद करो। हाउ वी आर एडिंग दीज लेटर्स मेकिंग वर्ड्स, हाउ टू स्प्लिट द वर्ड्स इनटू लेटर्स, दिस इज वर्ण विच्छेद। अच्छा, नाउ वील सी के सेंडिंग्स, दैट इज कारक चिन्ह। We will be using कारक चिन्ह in Hindi. So it's called as case ending in English. There are 8 कारक चिन्ह। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, संप्रदान को और के लिए, अपादान से संबंध का के की रा रेरी, अधिकरण में पर संबोधन के अरे ओ। So these are all the case endings in Hindi, correct chinha. How we have to use it? See, the sentences are given, you know very well the 8 types. So according to that, we have to put the type. Now, identify the case of the following underlined words. So they have underlined, you want to see, understand under which category it will come. Pehla, Sita ne gana gaya. Sita ne aata hai to कर्ता कारक। रोगी को खाना दे दिया गया है, रोगी को, तो इसको कम्स अंडर संप्रदान कारक। चाकू से सब्जी काटो, से, सी से इज यूज्ड टू टाइम्स इन वन प्लेस अपादान कारक। व्हेन वी यूज से, इट मीन्स सेपरेशन। चाकू से सब्जी, सो व्हेन यू कट विथ नाइफ there will be separation in the vegetable, so if that meaning comes apadankara kahenge। hey bhagwan tumi hamara rakshak ho, so here ke sambodhan karak। ped par bandar baitha hai, par ka upayog, adhikaran karak। tumhari kitab kaun le gaya hai, here tumhari tum ki ka ke ki ka upayog hum kya padha, sambandh karak। okay, so तुम्हारी स्प्लिट करेंगे तो हम का के की का उपयोग यहाँ आ जाएगा। शशि मोना से लंबी है, सी हियर आल्सो से का उपयोग, मगर दिस से इज डिफरेंट कंपैरिजन। शशि इज टॉलर देन मोना, सो हियर कंपैरिजन, सो दिस इज करंट कारक। मोहित ने पवन को यहाँ बुलाया है, तो यहाँ पवन को, दिस को कम्स अंडर कर्म कारक। अच्छा, समझ गए कारक को। अब हम यहाँ देखेंगे नीचे लिखे शब्दों से
भाववाचक संज्ञा बनना। भाववाचक संज्ञा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू नो वेरी वेल नाउन संज्ञा। संज्ञा में क्या है? तीन भेद होता है और उसमें एक भेद है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हाउ टू मेक दैट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ देखो शब्दों दिया है शत्रु शत्रुता, मानव मानवता, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, बला बलाई, व्यक्ति व्यक्तित्व, अपना अपनात्व, अपनापन ऑल्सो वी कैन से, अपनत्व ऑल्सो वी कैन से, निडर निडरता, हरा हरियाली। सो व्हेन वी चेंज इट लाइक दिस इट विल बिकम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, शत्रु एनिमी, बट शत्रुता एनमिटी, मानव ह्यूमन, मानवता ह्यूमैनिटी, स्वास्थ्य हेल्थी हेल्थ, स्वास्थ्य हेल्थी, बला गुड, बलाई गुडनेस, व्यक्ति ह्यूमन, व्यक्तित्व अगेन ह्यूमैनिटी, अपना आर, अपनत्व आस, निडर फियरलेस, निडरता फियर फियरलेस फीलिंग। ओके, इट रेफर्स टू सम अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग। हरा ग्रीन, हरियाली ग्रीनिश। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन फील, वी कैन नॉट सी। सी यू कैन सी शत्रु बट यू कैन नॉट सी शत्रुता। आई कैन शो वन मैन एंड से ही इज माई शत्रु, ही इज माई एनिमी, बट कैन आई शो शत्रुता? दिस सी आई हैव एनमिटी, कैन आई टेक एंड शो? सो विच वन वी कैन नॉट शो? यू ऑलरेडी वुड हैव स्टडीड इन इंग्लिश अब्स्ट्रैक्ट नाउन, या वही यहाँ हिंदी में भाववाचक संज्ञा। अच्छा, समझ गए? तो बच्चों ये सब आपके पुस्तक में कंप्लीट करो, बुक एक्सरसाइज और ग्रामर एक दो बार पढ़ो, समझो, कंप्लीट करो। अच्छा, शुभ दिन बच्चों।